नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें सोशल मीडिया न्यूज। ये जो तस्वीरें आप हमारे सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ये तस्वीरें है नाला सोपारा के पूर्वी हिस्से की। ये तस्वीर है और स्टेशन परिसर से लगा हुआ ये पूरा परिसर है। यहाँ पर तकरीबन आधे से ज्यादा जो दुकानें हैं वो पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं, किस प्रकार का यहाँ पे दृश्य रहा होगा जब रात के 3 से और सुबह 4 के दरमियान में जब भारी बरसात हुई होगी, तब क्या दृश्य रहा होगा यहाँ पर, कितनी स्थितियाँ, यहाँ की परिस्थितियाँ कितनी भयावह हो चुकी होंगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें हमने लिया है, जो हमने फोटो शूट किए हैं, वीडियो जो शूट किए हैं, वो सुबह 6:30 से 7 बजे के दरमियान की ये सारी तस्वीरें हैं। तो यहाँ पे पूरे परिसर में काफ़ी जल भराव होने के कारण काफ़ी दुकानों में पानी भरा, जिसके कारण फिलहाल काफ़ी नुकसान होता दिखाई दे रहा है कि काफ़ी दुकानदारों के जो व्यापारी हैं उनके माल का भारी नुकसान हुआ है, ऐसी जानकारी अभी तक हमें प्राप्त हो रही है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तुलिंज पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। उस परिसर के अंदर बाहर जो बाइक्स रखी हुई थी, यानी वाहन जो थे, बाइक थे, मोटरसाइकिल जो थे, वो पूरी तरह से डूब चुके थे, सिर्फ उनका ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। तो ऐसी भयावह स्थिति देखने को मिली नाला सोपारा के पूर्वी पट्टे पर। ये पहली बार ही ये ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला, अमूमन हर वर्ष ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं। कभी इससे ज़्यादा होते हैं तो कभी इससे कम होते हैं, कभी मीडियम में रहते हैं, मगर डूबता जरूर है। नाला सोपारा का जो परिसर है वो डूबता जरूर है। नाला सोपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन से सेंट्रल पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी भारी जल जमाव देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ अचोले तालाब की तरफ जाने वाले सड़क पर भी पूरी तरह जलमग्न दिखाई दिया। साथ ही साथ राधा कृष्ण होटल के दोनों तरफ वाले जो रास्ते हैं, 4 रास्ता जो है, दोनों तरफ पानी का जल जमाव देखने को मिला। और स्टेशन परिसर में भी काफ़ी पानी भर चुका था। स्टेशन परिसर यानी कि स्टेशन के बाहर के जो सड़क हैं वो सब डूब चुके थे और हल्का फुल्का पानी स्टेशन की पटरियों पर भी आया था। तो आप देखिए वीडियो पूरी और अंदाज़ा लगाइए कि इस बरसात में जो व्यापारी हैं उनको किस प्रकार का नुकसान हुआ है, क्या इन व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रशासन अपने स्तर पर कर पाएगा, या फिर सब कुछ यूं ही चलता रहेगा, व्यापारी हर बार यूं ही परेशान होते रहेंगे और व्यापारी बार बार अपना नुकसान की भरपाई खुद ही करते रहेंगे।